हेलो एवरीवन, आज हम नाइन्थ क्लास का सिलेबस शुरू कर रहे हैं और पर्टिकुलर हम वीडियोस डालते रहेंगे नाइन्थ क्लास के लिए, टेंथ क्लास के लिए, इलेवंथ के लिए, ट्वेल्थ के लिए। तो आज चैप्टर फर्स्ट है नाइन्थ क्लास का, नंबर सिस्टम। तो मैं आज आप लोगों को नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन दूंगा, ठीक है? तो ध्यान से सुनते जाइएगा मेरी बात और समझते जाइएगा और हमारे साथ जुड़े रहिएगा। क्यों? क्योंकि मैं आपका पूरा सिलेबस आप लोगों को करवाऊंगा, ठीक है? तो पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम, नाइन्थ क्लास, क्लास नाइन, नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम के लिए हमें सबसे पहले किसकी बात करनी होगी? कि नंबर्स की, इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर्स। क्या बात करनी होगी? इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शंस, इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर्स, ऑफ नंबर्स, ठीक है? तो इसमें सबसे पहले क्या आता है? नेचुरल नंबर। क्या आता है? नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं मैथमेटिक्स के अंदर, जब हमें किसी अल्फाबेट से, तो एन से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एन से। और ये कौन से नंबर होते हैं बेटा? ये नंबर होते हैं 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, ठीक है? ये हमारे क्या है? नेचुरल नंबर का सेट। इसे नेचुरल नंबर का सेट बोलते हैं, ठीक है? ये हो गए हमारे नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर के बाद आता है होल नंबर। क्या आता है? होल नंबर। तो होल नंबर क्या होता है? उसको W से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? W से, होल नंबर को। तो होल नंबर में क्या होता है कि जीरो और इंक्लूड हो जाता है। क्या इंक्लूड हो जाता है? जीरो। सारे नेचुरल नंबर्स तो है ही, जीरो भी इंक्लूड हो जाता है। 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, ठीक है? ये इस तरीके से चलता है होल नंबर। फिर होल नंबर के बाद बात आती है इंटीजर्स की। किसके बाद आती है? इंटीजर्स की। तो इंटीजर्स क्या होते हैं? तो इंटीजर्स होते हैं जेड और आई से रिप्रेजेंट करते हैं इंटीजर्स को। किससे? जेड और आई से। तो इंटीजर्स के लिए हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं? कि होल नंबर तो सारे ही हैं, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, लेकिन इनके अलावा नेगेटिव भी आते हैं, -1, -2, है ना? तो इस तरीके से इंटीजर्स आते हैं। इंटीजर्स के बाद बात आती है किसकी? रैशनल नंबर्स की। किसकी बात आती है? रैशनल नंबर्स की, रैशनल, रैशनल नंबर्स। देखो रैशनल नंबर में ये वर्ड है, देखो रेशियो, रैशनल नंबर में एक वर्ड दिख रहा है आपको, रेशियो, यानी कि कुछ है रेशियो। रेशियो क्या होता है? जैसे दो नंबरों का रेशियो हो गया P/Q, है ना? दो नंबरों का रेशियो हो गया, जहां पर एक चीज हमें याद रखनी है, Q is not equal to zero, यानी कि Q कभी जीरो नहीं होना चाहिए, एंड P/Q बोथ बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है? हम क्या बोलते हैं? इंटीजर्स होते हैं, ठीक है? ये बिलोंग्स टू का साइन है, अगर आपको नहीं भी पता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब क्या है कि PQ कोई इंटीजर में से कोई दो नंबर है, PQ इंटीजर्स में से कोई दो नंबर है, ठीक है? ये बात हमें याद रखनी चाहिए। ये हो गया हमारा रैशनल नंबर। तो हमने क्या देखा? नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर एंड रैशनल। एक और नंबर आता है इरेशनल नंबर। कौन सा नंबर आता है बेटा? इरेशनल नंबर। तो वो क्या होता है? इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर को हम अक्सर, रैशनल नंबर को हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ये रह गया था हमारा ना, देखो नेचुरल को किससे करते थे? एन से। होल नंबर को डब्ल्यू से, इंटीजर को जेड और आई से, रैशनल नंबर को क्यू से, इरेशनल नंबर को हम क्यू डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इरेशनल नंबर क्या है? तो इरेशनल नंबर के लिए फिलहाल आप ये मान लो कि एनी नंबर विच वी कैन नॉट रिप्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ P/Q, यानी कि ऐसे नंबर जिन्हें मैं P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकता, उन नंबरों को मैं क्या कहता हूं? इरेशनल नंबर कहता हूं, ठीक है? इतनी बात क्लियर हो गई होगी। तो नंबर्स में और भी कुछ चीजें हैं, ये तो पर्टिकुलर नंबर्स हो गए। तो एक चीज मैं आपको बताता हूं कि नंबर्स में जो सबसे छोटा सेट है वो कौन है? नेचुरल नंबर। इससे बड़ा सेट कौन है? इससे बड़ा सेट है होल नंबर। कौन है? होल नंबर। यानी कि कहने का मतलब मेरा सिर्फ इतना था कि सारे नेचुरल नंबर किसके अंदर चले जाते हैं? होल नंबर के अंदर। और सारे होल नंबर कहां चले जाते हैं? इंटीजर के अंदर चले जाते हैं। और सारे इंटीजर कहां चले जाते हैं? हमारे रैशनल नंबर के अंदर चले जाते हैं, ठीक है? अब आपसे मैं बात कर रहा हूं इरेशनल, तो ये इस कैटेगरी से अलग है। इरेशनल इस कैटेगरी से अलग है। क्यू डैश जो मैं कह रहा हूं, यह आर मैंने लिखा है, आर का मतलब क्या है? रैशनल है, क्यू। और ये क्यू डैश क्या है? इस कैटेगरी से अलग है। क्यू डैश क्या है? इरेशनल। ठीक
ठीक है, ये तो हो गई बात नंबर होगी। फिर नंबरों में सब नंबर आते हैं, जैसे कि आपसे मैं कहूं कि इवन नंबर क्या होता है, ऑड नंबर क्या होता है ना, तो इवन नंबर के बारे में जानते हैं। तो इवन नंबर क्या होता है, इवन नंबर, तो इवन नंबर क्या होते हैं, एनी नंबर विच आर डिविजिबल बाय टू, एनी नंबर विच आर डिविजिबल बाय टू, ठीक है, यानी कि फॉर एग्जाम्पल 2, 4, 6, 8, ठीक है। फिर आती है बात ऑड नंबर की, किसकी, ऑड नंबर की, तो ऑड नंबर कौन से होते हैं, नंबर विच आर नॉट इवन आर ऑड, या कह सकते हो नंबर विच आर नॉट डिविजिबल बाय टू, नंबर विच आर नॉट डिविजिबल बाय टू कॉल ऑड नंबर्स, जैसे 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन, है ना। अब प्रॉब्लम कहां आई कि मैंने कहीं भी जीरो नहीं देखा, तो जीरो के लिए मैं क्या कहूं, जीरो इवन है या ऑड है, जीरो इज इवन और ऑड। तो मैं आपको एक चीज दिखाता हूं कि अगर मैं नंबर्स को सीक्वेंस में लिखूं, क्या लिख रहा हूं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है, पहला ऑड, दूसरा इवन, तीसरा ऑड, चौथा इवन, पांचवा ऑड, यानी कि अल्टरनेट वाइज चलते हैं ये इवन ऑड, यानी कि जीरो किससे आ रहा है, पीछे ऑड से, यानी कि मैं जीरो को क्या कहूंगा, जीरो इज ए इवन नंबर, ये बात याद रखिएगा, जीरो इज इवन नंबर, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं प्राइम नंबर की, प्राइम एंड कंपोजिट नंबर। तो यहां पे एक की पॉइंट हमें मिला, क्या मिला, की पॉइंट हमें मिला कि जीरो इज इवन नंबर, और हर दो नंबरों के बीच में एक ऑड होगा, हर दो इवन नंबर के बीच में एक ऑड होगा, हर दो ऑड नंबर के बीच में एक इवन होगा। अब बात करते हैं प्राइम की, तो प्राइम नंबर क्या होते हैं और कंपोजिट, प्राइम नंबर क्या होते हैं और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। तो प्राइम नंबर कौन से होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं नंबर विच हैज टू फैक्टर्स, एग्जैक्टली टू फैक्टर्स, एग्जैक्टली टू फैक्टर्स, और वो कौन कौन से हैं, एग्जैक्टली टू फैक्टर्स, वन और इटसेल्फ, वन और इटसेल्फ। जैसे मैं आपके सामने लिखूं 5, तो 5 के कौन से फैक्टर हैं, 1 एंड 5, 1 एंड 5, यानी कि एक तो फैक्टर उसका 1 होगा और दूसरा क्या होगा, 5 होगा, ठीक। ऐसी 7 देखते हैं, तो 7 का फैक्टर क्या है, 1 और 7, तो 7 क्या है, प्राइम नंबर, 5 क्या है, प्राइम नंबर। एक और नंबर है 2, 2 के फैक्टर क्या है, 1 इंटू 2, ठीक है। तो यहां भी देखो कितने फैक्टर है, 1 और 2, 2 ही फैक्टर, तो यानी कि 2 भी क्या है, प्राइम नंबर है। लेकिन 2 के साथ एक खासियत और जोड़ लो कि 2 इज द ओनली इवन नंबर, 2 इज द ओनली इवन नंबर विच इज प्राइम, विच इज प्राइम। ये दुनिया में इकलौता इवन नंबर है जो कि प्राइम है, इसके अलावा जितने भी प्राइम है वो 100% ऑड है। फिर इसके बाद आती है कंपोजिट नंबर, तो कंपोजिट नंबर क्या कहता है, इट हैज मोर देन टू फैक्टर, इट हैज मोर देन टू फैक्टर्स, इसके पास 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे। जैसे मैं आपके सामने लिखूं 4, तो 4 के लिए फैक्टर क्या क्या है, 4 है, एक 2 भी है और एक 1, 4 भी है, 4 से भी डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है, 1 से भी डिविजिबल है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसके 3 मिले मुझे फैक्टर। और इसी तरीके से 6 की बात करूं तो 2, 3, 1, है ना, 2, 3 और 1, 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, 1 से भी डिविजिबल है और 6 से भी डिविजिबल है। तो ये दोनों कैसे नंबर है, कंपोजिट। तो अब यहां पे भी एक बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा, 1 का क्या करें, 1 प्राइम है या कंपोजिट है, तो 1 के पास क्या है कि सिर्फ उसके पास एक ही फैक्टर है, वो खुद 1, ठीक है। तो ये ना तो 2 फैक्टर की चीजें पूरी कर पाया कंडीशन, ना ये मोर देन 2 की कंडीशन पूरी कर पाया, ठीक है, ये ना तो 2 फैक्टर वाली कंडीशन पूरी कर पाया, ना 2 से ज्यादा वाली। तो यानी कि 1 इज नाइदर, ये की फैक्टर क्या मिला, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ठीक है, ये बात याद रखनी है। तो मैंने आपको 3 बातें बताई जो आपको हमेशा याद रखनी है,
बाकी तो याद रखना ही है, लेकिन वो बात है हमेशा अच्छी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है। जैसे टू क्या है, स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर, फिर उसके बाद वन नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, एंड जीरो इवन नंबर। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट। इसके आगे की वीडियो हम जल्दी आप लोगों के लिए अपलोड करेंगे, तो हमारे साथ बने रहिए और स्टे होम स्टे सेफ, और कमेंट लाइक शेयर करना जरूर। हेलो एवरीवन, आज हम 9th क्लास का सिलेबस शुरू कर रहे हैं और पर्टिकुलर हम वीडियोस डालते रहेंगे 9th क्लास के लिए, 10th क्लास के लिए, 11th के लिए, 12th के लिए। तो आज चैप्टर फर्स्ट है 9th क्लास का, नंबर सिस्टम। तो मैं आज आप लोगों को नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन दूंगा, ठीक है? तो ध्यान से सुनते जाइएगा मेरी बात और समझते जाइएगा और हमारे साथ जुड़े रहिएगा। क्यों? क्योंकि मैं आपका पूरा सिलेबस आप लोगों को करवाऊंगा, ठीक है? तो पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम, 9th क्लास, क्लास 9 नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम के लिए हमें सबसे पहले किसकी बात करनी होगी? कि नंबर्स की, इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर्स। क्या बात करनी होगी? इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शंस, इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर्स, ऑफ नंबर्स, ठीक है? तो इसमें सबसे पहले क्या आता है? नेचुरल नंबर। क्या आता है? नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं मैथमेटिक्स के अंदर, जब हमें किसी अल्फाबेट से, तो एन से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एन से। और ये कौन से नंबर होते हैं बेटा? ये नंबर होते हैं 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, ठीक है? ये हमारे क्या है? नेचुरल नंबर का सेट। इसे नेचुरल नंबर का सेट बोलते हैं, ठीक है? ये हो गए हमारे नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर के बाद आता है होल नंबर। क्या आता है? होल नंबर। तो होल नंबर क्या होता है? उसको W से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? W से, होल नंबर को। तो होल नंबर में क्या होता है कि जीरो और इंक्लूड हो जाता है। क्या इंक्लूड हो जाता है? जीरो। सारे नेचुरल नंबर तो है ही, जीरो भी इंक्लूड हो जाता है। 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, ठीक है? ये इस तरीके से चलता है होल नंबर। फिर होल नंबर के बाद बात आती है इंटीजर्स की। किसके बाद आती है? इंटीजर्स की। तो ये इंटीजर्स क्या होते हैं? तो इंटीजर्स होते हैं जेड और आई से रिप्रेजेंट करते हैं इंटीजर्स को। किससे? जेड और आई से। तो इंटीजर्स के लिए हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं? कि होल नंबर तो सारे ही हैं, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, लेकिन इनके अलावा नेगेटिव भी आते हैं, -1, -2, है ना? तो इस तरीके से इंटीजर्स आते हैं। इंटीजर्स के बाद बात आती है किसकी? रैशनल नंबर्स की। किसकी बात आती है? रैशनल नंबर्स की, रैशनल, रैशनल नंबर्स। देखो रैशनल नंबर में ये वर्ड है, देखो रेशियो, रैशनल नंबर में एक वर्ड दिख रहा है आपको, रेशियो, यानी कि कुछ है रेशियो। रेशियो क्या होता है? जैसे दो नंबरों का रेशियो हो गया P/Q, है ना? दो नंबरों का रेशियो हो गया, जहां पर एक चीज हमें याद रखनी है, क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि क्यू कभी जीरो नहीं होना चाहिए, एंड पी क्यू बोथ बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है? हम क्या बोलते हैं? इंटीजर्स होते हैं, ठीक है? ये बिलोंग्स टू का साइन है, अगर आपको नहीं भी पता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब क्या है कि पी क्यू कोई इंटीजर में से कोई दो नंबर है, पी क्यू इंटीजर्स में से कोई दो नंबर है, ठीक है? ये बात हमें याद रखनी चाहिए। ये हो गया हमारा रैशनल नंबर। तो हमने क्या देखा? नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर एंड रैशनल। एक और नंबर आता है इरेशनल नंबर। कौन सा नंबर आता है बेटा? इरेशनल नंबर। तो वो क्या होता है? इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर को हम अक्सर, रैशनल नंबर को हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ये रह गया था हमारा ना, देखो नेचुरल को किससे करते थे? एन से। होल नंबर को डब्ल्यू से, इंटीजर को जेड और आई से, रैशनल नंबर को क्यू से, इरेशनल नंबर को हम क्यू डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इरेशनल नंबर क्या है? तो इरेशनल नंबर के लिए फिलहाल आप ये मान लो कि एनी नंबर विच वी कैन नॉट रिप्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, यानी कि ऐसे नंबर जिन्हें मैं पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकता, उन नंबरों को मैं क्या कहता हूं? इरेशनल नंबर कहता हूं, ठीक है? इतनी बात क्लियर हो गई होगी। तो नंबर्स में और भी कुछ चीजें हैं, ये तो पर्टिकुलर नंबर्स हो गए। तो एक चीज मैं आपको बताता हूं कि नंबर्स में जो सबसे छोटा सेट है वो कौन है? नेचुरल नंबर। इससे बड़ा सेट कौन है? इससे बड़ा सेट है होल नंबर। कौन है? होल नंबर। यानी कि कहने का मतलब मेरा सिर्फ इतना था
कि सारे नेचुरल नंबर किसके अंदर चले जाते हैं, होल नंबर के अंदर, और सारे होल नंबर कहां चले जाते हैं, इंटीजर के अंदर चले जाते हैं, और सारे इंटीजर कहां चले जाते हैं, हमारे रैशनल नंबर के अंदर चले जाते हैं। ठीक है, अब आपसे मैं बात कर रहा हूं इरेशनल, तो ये इस कैटेगरी से अलग है, इरेशनल इस कैटेगरी से अलग है, क्यू डैश जो मैं कह रहा हूं, या आर मैंने लिखा है, आर का मतलब क्या है, रैशनल है क्यू, और ये क्यू डैश क्या है, इस कैटेगरी से अलग है, क्यू डैश क्या है, इरेशनल। ठीक है, ये तो हो गई बात नंबर होगी, फिर नंबरों में सब नंबर आते हैं, जैसे कि आपसे मैं कहूं कि इवन नंबर क्या होता है, ऑड नंबर क्या होता है ना, तो इवन नंबर के बारे में जानते हैं, तो इवन नंबर क्या होता है, इवन नंबर, तो इवन नंबर क्या होते हैं, एनी नंबर विच आर डिविजिबल बाय टू, एनी नंबर विच आर डिविजिबल बाय टू। ठीक है, यानी कि फॉर एग्जांपल 2, 4, 6, 8। ठीक है, फिर आती है बात ऑड नंबर की, किसकी, ऑड नंबर, तो ऑड नंबर कौन से होते हैं, नंबर विच आर नॉट इवन आर ऑड, या कह सकते हो नंबर विच आर नॉट डिविजिबल बाय टू, नंबर विच आर नॉट डिविजिबल बाय टू कॉल्ड ऑड नंबर्स, जैसे 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन, है ना। अब प्रॉब्लम कहां आई कि मैंने कहीं भी जीरो नहीं देखा, तो जीरो के लिए मैं क्या कहूं, जीरो इवन है या ऑड है, जीरो इज इवन और ऑड। तो मैं आपको एक चीज दिखाता हूं कि अगर मैं नंबर्स को सीक्वेंस में लिखूं, क्या लिख रहा हूं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है, पहला ऑड, दूसरा इवन, तीसरा ऑड, चौथा इवन, पांचवा ऑड, यानी कि अल्टरनेट वाइज चलते हैं ये इवन ऑड, यानी कि जीरो किससे आ रहा है, पीछे ऑड से, यानी कि मैं जीरो को क्या कहूंगा, जीरो इज एन इवन नंबर, ये बात याद रखिएगा, जीरो इज इवन नंबर। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं प्राइम नंबर की, प्राइम एंड कंपोजिट नंबर। तो यहां पे एक की पॉइंट हमें मिला, क्या मिला, की पॉइंट हमें मिला कि जीरो इज इवन नंबर, और हर दो नंबरों के बीच में एक ऑड होगा, हर दो इवन नंबर के बीच में एक ऑड होगा, हर दो ऑड नंबर के बीच में एक इवन होगा। अब बात करते हैं प्राइम की, तो प्राइम नंबर क्या होते हैं और कंपोजिट, प्राइम नंबर क्या होते हैं और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, तो प्राइम नंबर कौन से होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं नंबर विच हैज टू फैक्टर्स, और वो कौन कौन से हैं, एग्जैक्टली टू फैक्टर्स, वन और इट्सेल्फ। जैसे मैं आपके सामने लिखूं 5, तो 5 के कौन से फैक्टर हैं, 1 एंड 5, यानी कि एक तो फैक्टर उसका 1 होगा और दूसरा क्या होगा, 5 होगा। ठीक, ऐसी 7 देखते हैं, तो 7 का फैक्टर क्या है, 1 और 7, तो 7 क्या है, प्राइम नंबर, 5 क्या है, प्राइम नंबर। एक और नंबर है 2, 2 के फैक्टर क्या है, 1 इंटू 2। ठीक है, तो यहां भी देखो कितने फैक्टर है, 1 और 2, दो ही फैक्टर, तो यानी कि 2 भी क्या है, प्राइम नंबर है। लेकिन 2 के साथ एक खासियत और जोड़ लो कि 2 इज द ओनली इवन नंबर विच इज प्राइम। ये दुनिया में इकलौता इवन नंबर है जो कि प्राइम है, इसके अलावा जितने भी प्राइम है वो 100% ऑड है। फिर इसके बाद आती है कंपोजिट नंबर, तो कंपोजिट नंबर क्या कहता है, इट हैज मोर देन टू फैक्टर्स, इसके पास 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे। जैसे मैं आपके सामने लिखूं 4, तो 4 के लिए फैक्टर क्या क्या है, 4 है, एक 2 भी है और एक 1, 4 भी है, 4 से भी डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है, 1 से भी डिविजिबल है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसके 3 मिले मुझे फैक्टर। और इसी तरीके से 6 की बात करूं तो 2, 3, 1, है ना, 2, 3 और 1, 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, 1 से भी डिविजिबल है और 6 से भी डिविजिबल है, तो ये दोनों कैसे नंबर है, कंपोजिट। तो अब यहां पे भी एक बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा, 1 का क्या करें, 1 प्राइम है या कंपोजिट है, तो 1 के पास क्या है कि सिर्फ उसके पास एक ही फैक्टर है, वो खुद 1। ठीक है, तो ये ना तो 2 फैक्टर की चीजें पूरी कर पाया कंडीशन, ना ये मोर देन 2 की कंडीशन पूरी कर पाया।
ठीक है, ये ना तो दो फैक्टर वाली कंडीशन पूरी कर पाया ना दो से ज्यादा वाली, तो यानी कि वन इज नाइदर, ये की फैक्टर क्या मिला, वन इज नाइदर नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ठीक है, ये बात याद रखनी है। तो मैंने आपको तीन बातें बताई जो आपको हमेशा याद रखनी है, बाकी तो याद रखना ही है लेकिन वो बातें हमेशा अच्छी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं। जैसे टू क्या है, स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर, फिर उसके बाद वन नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट एंड जीरो इवन नंबर, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, इसके आगे की वीडियो हम जल्दी आप लोगों के लिए अपलोड करेंगे, तो हमारे साथ बने रहिए और स्टे होम स्टे सेफ, और कमेंट लाइक शेयर करना जरूर।